और तूने मेरे को ना रोज दिया ना चॉकलेट दिया ना टेडी दिया। आ, वो कुछ और दूंगी ना, समथिंग एक्सपेंसिव कुछ अच्छा। ये रोज टेडी वगैरह निब्बे हो गया। बस ये रहा रोज, तो तीनों चीजें आ गई हैं। तो हैप्पी रोज डे आपके लिए, चॉकलेट डे। खाओ चॉकलेट, खाओ और मोटे हो जाओ। फटाफट लेकर निकलते सांची के लिए। टेडी भाई दोनों सेम लग रहे हो, तेरे को क्या लगता है मैं तेरे से डरता हूँ? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया ही होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कल के व्लॉग में मैंने क्या किया था, मतलब अपनी मम्मा का फोन तोड़ा था और उन्हें दे दिया था एक न्यू फोन। आज का सीन ये है, जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, इस महीने चल रहा है वैलेंटाइन वीक, समझ रहे हो ना भाई? आप लोगों को पता ही होगा, रोज डे, चॉकलेट डे और आज है भाई टेडी डे। इनमें से एक भी चीज मैंने सांची के लिए नहीं की है, मतलब सांची को नहीं दी है। क्यों? क्योंकि भाई वो यूनिवर्सिटी थी कि सांची घर आ चुकी है, मतलब फाइनली वो घर आ चुकी है। सो गाइस, मैं सोच रहा हूं आज हम सांची को देंगे एक रोज, एक चॉकलेट और एक छोटा सा टेडी देंगे। सो गाइस, आज ना सांची को मैं बहुत तंग करने वाला हूं क्योंकि काफी दिनों के बाद भाई मैं उसे आज मिलने वाला हूं। सो गाइस, निकालते अपनी बंबल बी को और चलते हैं, और आज का व्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो गाइस, आज की वीडियो पूरी देखना। तुम्हारा भाई आ चुका है बाहर और वो लगी है हमारी बम्बल बी। एंड गाइस, देख सकते हो भाई घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो उस वजह से भाई बाइक और ज़्यादा गंदी होती जा रही है। और कंडीशन देख रहे हो बाइक की भाई, मतलब तीनों बाइकें बहुत ही बुरी कंडीशन में हो रखी है। तो जब तक भाई घर का काम खत्म नहीं होगा तब तक मैं बाइक वॉश नहीं करवाने वाला, क्योंकि भाई रोज़ रोज़ गंदी हो रही है। ठीक है, एक व्लॉग में ना हम भाई अपनी तीनों बाइकों को लेकर जाएंगे और मैं आपको इन तीनों बाइकों के बारे में बताऊँगा कि भाई मैंने कौन सी कब ली थी, कैसे ली थी। सो गाइस, अभी से करते हैं भाई कॉल स्टार्ट। तो चलो गाइस, अब हो गया कॉल स्टार्ट, तो चलो निकलते हैं। सो गाइस, अभी मेरे को भाई चॉकलेट भी लेना है, रोज भी लेना है और टेडी भी लेना है। तो टेडी हम ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे ताकि उसे दिक्कत ना हो घर लेने में। देन उसके बाद हम निकल जाएंगे भाई सांची के पास। और गाइस, आज सांची को एक राइड पे भी लेके जाऊंगा भाई, क्योंकि आज मेरा बहुत मन कर रहा राइड पे जाने का और धूप भी बहुत तेज निकली हुई है। सो गाइस, ये रही एक शॉप, तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पे हमें अरे रोजेस तो सामने ही है और टेडी भी है, तो फटाफट लेके निकलते हैं। सो गाइस, फाइनली ये हमने एक टेडी ले लिया हुआ, ठीक है, नॉर्मल साइज का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गाइस, ये रहा रोज, तो तीनों चीज़ें आ गई हैं, तो फटाफट लेके निकलते हैं यहाँ से, सामान सारा ले लिया, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस, सांची को तो मैंने पहले ही बुला लिया हुआ है, तो वो भी आने वाली है, मतलब मेरे को लगता है पूछ ना गई हो क्योंकि मैं लेट हो गया और उसे मैंने कहा कि भाई आजा फटाफट। ओहो, सो गाइस, पहुंच चुका हूं भाई सांची के घर की गली में और सांची सामने, अरे वो रही, देख रहे हो भाई वो खड़ी है सामने क्योंकि मेरे को पता था कि ये आ गई होगी, इसे मैंने 5 मिनट पहले ही बुला लिया हुआ था। आज मेरे को वेट करवाया है। ओए क्या कर रही है, क्या ये क्या कर रही है भाई? कैसी हो तुम, कब से खड़ी हो तुम यहाँ? 5 मिनट बस, मुझे लगा आधे घंटे पहले आ गई होगी। अच्छा, कैसी हो तुम? बढ़िया है गाइस। अच्छा मेरे को एक चीज तो बता, मेरा रोज कहाँ है, मेरा टेडी कहाँ है, मेरा चॉकलेट कहाँ है? मतलब ये हमारा पहला वैलेंटाइन वीक चल रहा है और तूने मेरे को ना रोज दिया ना चॉकलेट दिया ना टेडी दिया है, मैं वही लेने के लिए आया हूँ। दे मुझे, मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता। हाँ मैं समथिंग एक्सपेंसिव, अच्छा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए मुझे, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे टेडी चाहिए, मुझे रोज चाहिए, मुझे रोज चाहिए, मुझे नहीं पता चाहिए ना। आपको रोज चाहिए? नहीं चाहिए? कह रहे पैसे दो। मेरे को तो पता ही था तू ये सब चीज़ें भूल ही जाएगी, मनाएगी नहीं। हमारा पहला वैलेंटाइन वीक था ना सांची। यू हर्ट मी यार, यू हर्ट मी। आ जा पैसे दूँ, चाहिए पैसे? हाँ। चाहिए, आ जा। कितना चाहिए? कितना? इधर आके बोल, पहले इधर आके बोल। दूंगा माँ कसम, दूंगा माँ कसम पक्का। ये इधर, इधर ये देख, निकाल भी रहा हूँ मैं। आ जा, नहीं नहीं पहले तेरे को बोलना, देख मैंने हाथ में पकड़ लिए, ठीक है, देख ले हाथ में है, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में। पहले बता कितने चाहिए? 100 रुपये चाहिए। इधर तो आप पास, तो पहले आप पास, पक्का दूंगा कसम से, माँ कसम। अच्छा ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। नहीं नहीं 50-50 ले लेना, ठीक है, पक्का ले लेगा? ले यार ये ले 50-50, ठीक है, ठीक है, पक्का? भाग गए। मैंने कहा पैसे चाहिए, कहता हाँ, मैंने कहा कितने, कहता 200। मैं बहुत उम्मीद से आया था कि सांची ने मेरे लिए रोज या चॉकलेट, मतलब पता नहीं कितने सारे गिफ्ट लाए होंगे और तू खाली हाथ। मैंने आपके लिए ना कुछ स्पेशल सोचा, ठीक है, कुछ अच्छा। ये रोज टेडी वगैरह निब्बे हो गया? हाँ मैं निब्बा हूँ, मेरे बाबू ने ताना चाया। सो गाइस, अभी हम यहाँ से निकलते हैं, तो चलते हैं आगे भाई हाईवे पे, तो वहाँ पे जाके बातचीत करते हैं। निकले यहाँ से, काफी टाइम से राइड नहीं किया गाइस, तो चलो चलें। सो गाइस, तुम्हारा भाई सांची को लेके निकल चुका है और भाई इसमें पेट्रोल देख सकते हो बहुत ही ज्यादा कम है भाई, मेरी आधी उम्र इसमें पेट्रोल डलवाने में ही निकल गया। तो अभी पहले पेट्रोल डलवाते हैं, देन सीधा चलेंगे भाई फ्लाईओवर पे, क्योंकि यार पता नहीं क्यों मेरे को फ्लाईओवर बहुत मजा आता जाने में, और वहां पे रुक के करेंगे बात। सांची ये देखो इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके दे दूं? बाइक लेनी है, स्कूटी लेनी है?
अच्छा बैठ के दिखा कैसी लगती है। तो गाइस अभी मैं सांजी के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने वाला हूँ। सांजी बैठ के तो दिखा, इस वाली पे दिखा बैठ के। हाँ सांजी तेरे को चैलेंज है, मेरे को स्कूटी में बैठ के दिखा। नहीं नहीं नहीं, तेरे को बैठना तो पड़ेगा। नहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूँ ना इधर, मैं खड़ा हूँ। ठीक है यार, उन्होंने स्कूटी बाहर लगाई है देखने के लिए, बैठ के देख क्या टेंशन है। अच्छा ठीक है चल बैठ चले। सो गाइस चलो निकलते हैं भाई, इसमें तो बिल्कुल भी दम नहीं है, डरपोक है एक नंबर की। तो गाइस देख सकते हो मैं पहुंच चुका हूँ भाई फ्लाई ओवर पे, जहाँ पे मतलब हमें आना था। और ये रही भाई सांची, और सांची आज मैंने तुम्हारे लिए एक प्यारा सा तोहफा लाया। तोहफा यू नो तोहफा, तूने तो मेरे लिए लाया नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही क्यों ना ले जाता हूँ सांची के लिए। जल्दी। अच्छा सो गाइस अगर आपको यहाँ पे शोर आ रहा होगा, देख सकते हो भाई गाड़ियाँ चल रही है, बट क्या करें यार, मेरे को मजा यहीं पे आता है भाई इसको लेके यहाँ पे आने का, बाइक चलाने का और व्लॉग शूट करने का। अब देते हैं सांची को, सांची का जो गिफ्ट मैंने लाया हुआ है ना वो देते हैं, मैं दूंगा, मैं खुद दूंगा। भाई इतने प्यार से लाया ना मैंने। गाइस सबसे पहले देते हैं सांची को ये रोज। सांची हैप्पी रोज डे। थैंक यू, आंखें खुल नहीं रही है तेरी धूप से। सो गाइस मैंने सांची को रोज दे दिया, खुशबू तो सूंघ ले इसकी, एकदम फ्रेश फ्रेश है, अच्छी है ना। ये रहा भाई आपके लिए चॉकलेट डे, खाओ चॉकलेट खाओ और मोटे हो जाओ। नेक्स्ट मैंने जो चीज लाई है ना वो सांची तेरी ड्रेस से मिलती जुलती है, मतलब जैसे ये रोज है ना, मतलब ये भी तेरे साथ मिलता जुलता है। और जो मैंने अगली चीज लाई है ना वो भी तेरे इस ड्रेस के साथ मिलती जुलती है। आर यू रेडी? रेडी, खुश कितनी हो रही है। ये रहा तेरे लिए टैडी, क्योंकि आज है भाई टैडी डे। दिखा तो दे इसको, खोल पहले। सो गाइस ये रहा भाई सांची के लिए टैडी। भाई दोनों सेम लग रहे हो सही में यार। सो गाइस सही बताऊँ भाई, मेरा ना दिल से मन था कि मैं ये सब चीज़ें सांची के साथ मनाऊँ, क्योंकि मैंने कभी मनाई नहीं है। ठीक है, तो मतलब मेरे लिए थोड़ा बेशक यार ये निब्बा निब्बी वाले काम है, लेकिन यार एक बार तो मतलब बनता है ना मनाना, है ना, एक्सपीरियंस पता चलता है भाई कैसा फील होता है। तो शर्म तो बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि एक तो हम खड़े हैं भाई हाईवे पे और भाई मैं इसे रोज़ टैडी चॉकलेट दे रहा हूँ। मुझे बता कैसा लगा? प्यारा लगा ना। वैसे सांची तेरे को एक चीज़ पता, देख अभी रोज डे था मैंने तेरे को रोज डे दिया, चॉकलेट डे था मैंने चॉकलेट भी दे दिया, टैडी डे था मैंने टैडी भी दे दिया, आगे प्रपोज डे भी है, हग डे भी है और किस डे भी है, मतलब चेंज द टॉपिक गाइस, चेंज द टॉपिक। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सो गाइस अभी मैं सांची से टैडी ले लेता हूँ, मतलब ले मींस की बैग में डाल देता हूँ। मुझे पता देखो काफी शर्म आ रही है क्यों ये पकड़ के, तो रुक जा। सो गाइस फटाफट इसको बैग में डाल देते हैं और भाई चॉकलेट भी बैग में डाल देते हैं। मैंने टैडी वगैरह सब बैग में डाल दिया क्योंकि हमें काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। और सांची तेरे को पता है जिस दिन रोज डे था ना, क्या जानू का ब्लॉग देखा था? ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत ही लड़कियों को रोका था और रोज भी देने लगा था। ठीक है, मैं बट खुद मैंने खुद नहीं दिया। देखे बताते इसका क्या मतलब है, मैं तेरे डरता हूँ तो क्या मैं किसी लड़की को रोज नहीं दे सकता? तेरे को क्या लगता है मैं तेरे डरता हूँ? मैं तेरे डरता डरता नहीं हूँ। ठीक है, मैंने कम से कम भी 4-5 लड़कियों को रोज और चॉकलेट भी दिए हैं। ठीक है, बट मैंने व्लॉग नहीं शूट किया। मैं रोकूं? रोक के दिखा, कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, अच्छा आज भी देने जा रहा हूँ मैं टैडी, क्योंकि आज टैडी डे है, आज मैं टैडी दूंगा, आज मैं खुद टैडी बनूंगा। देखे बताओ। तो गाइस व्लॉग शूट करते करते भाई मौसम देख रहे हो भाई, मतलब धूप चली गई है और हल्के हल्के से भाई काले काले बादल आ चुके हैं। और जैसे कि आपको लोगों को पता है मैंने 500 पे क्या लेनी है, 400 के पे मुंह से निकल गया, मैंने 400 के पे क्या लेना है, यस। सो गाइस अभी ना मतलब प्रॉपर तरीके से बिल्कुल डिसाइड नहीं है कि मैं कौन सी वाली लेने वाला हूँ, मैक्सिमम यही चांसेस है कि मैं नेक्स्ट बाइक लूंगा। ठीक है, वो सांची को पता है। एंड गाइस सांची ने जो मेरे लिए गिफ्ट सोचा हुआ है ना, मेरे को तो पता चल गया कि वो क्या लेने वाली है, बट मैं आप लोगों को अभी नहीं बताने वाला हूँ कि वो क्या उसने क्या सोचा है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए सांची मैं तो अभी मना कर रहा हूँ वो नहीं लेना है। सो गाइस मैं आपको बता दूंगा अगर इसने वो चीज ले ली, क्योंकि मेरे को लगता है इसने लेकर रख दी हुई है और अभी देने वाली है थोड़े टाइम में, देख मेरे को पता चल जाता है। ठीक है, अभी मैं और सांची ये बात कर रहे थे कि मानिक आप ना बंबलबी को मत बेचो, मतलब आप यही रखो, बट गाइज आपको पता है जो मोटो व्लॉगर होता है ना, ठीक है, उसे गाइज ये ना चीजें करनी पड़ती है, समझ रहे हो? हाँ, और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, और भाई क्या हाल चाल? ठीक ठाक। गाइज अब मैं आपको बता रहा था कि गाइज मेरा ना बम्बल बी बेचने का मन तो नहीं है, लेकिन आपको पता है यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। ठीक है ना, अभी अगर हम अपनी बम्बली को सेल करेंगे देन ही फिर हम कोई अच्छी सुपर बाइक ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता है भाई अभी अपने पास इतने पैसे नहीं है कि भाई ये बाइक भी रखूं और कोई और सुपर बाइक भी ले लूं। बाकी रही बात भाई 400 के पे क्या होगा क्या नहीं, वो तो भाई तभी पता चलेगा जब 400 के हो जाएंगे। कमेंट करके बताया करो गाइज हर वीडियो में, मेरे को कमेंट चाहिए क्योंकि आपके कमेंट से ना मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, कमेंट कर दिया करो वीडियो में कौन सा पार्ट आपका बेस्ट है और कहाँ आपको
मजा आया, मतलब जो भी आपके थॉट्स होते हैं ना वो कमेंट में बताया करो। गाइस एक चीज और, जल्दी जल्दी मेरे इंस्टाग्राम पे 100K कंप्लीट करवा दो, क्योंकि भाई 100K पे भी हम कुछ और लेंगे, मतलब 100K 300K 400K, चाहे वो इंस्टा पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, भाई जैसे जैसे आप ये करवाते जाओगे ना वैसे वैसे आपको सरप्राइज देता रहेगा, ठीक है? तो ऐसे सपोर्ट करो यार, लव यू तुम सबको। तो गाइस चलो यहाँ से निकलते हैं। गाइस संडे को है हमारा मीटअप उधमपुर में, जिसमें मैं, जानू, अर्जुन एक्स व्लॉग्स और इनसेन, हम चारों भाई आने वाले हैं, ठीक है? वो भाई आपको कल पता चल जाएगा, कल के व्लॉग में आपको मैं प्रॉपर बता दूंगा कि उधमपुर में कहाँ पे और कौन सी जगह मीटअप है। तो गाइस जो भी भाई लोग मेरे उधमपुर से है ना, तो भाई तुम सबने भाई के मीटअप पे आना है, ठीक है? हम चारों भाई तुम लोगों से मिलेंगे, ठीक है भाई? अच्छा सा प्यार सा एक मीटअप करेंगे और आपको कल के व्लॉग में मैं प्रॉपर बता दूंगा कि कौन सी जगह आ रहे हैं और कितने बजे आ रहे हैं। तो गाइस भूलना नहीं, भाई के मीटअप पे जरूर आना। तो गाइस पहुंच चुके हैं भाई सांची के घर पे। सांची तुम जा रही हो, अपनी अमानत तो ले जाओ। एक काम कर, तू बैग ही ले जा, बाद में ले जाऊंगा तेरे से। ऐसा लग रहा है जैसे ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही है। सो गाइस करते हैं सांची को बाय बाय। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। ओके फिर सांची, बाय बाय, जाओ आप घर पे। तो मिलते हैं फिर, कल चलेंगे कहीं अलग सी जगह पे, ठीक है? सो गाइस तुम्हारा भाई निकल चुका है, सांची को मैंने छोड़ दिया उसके घर पे, और अभी तुम्हारा भाई फटाफट घर पे जाके व्लॉग एडिट करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाई को व्लॉग डालना भी है। चलते हैं फटाफट घर पे, घर पे जाके आप लोगों से मिलता हूं। फाइनली तुम्हारा भाई घर पहुंच चुका है। सो गाइस हमें बहुत ज्यादा थक चुका, अभी व्लॉग एडिट करके डालना भी है। सो गाइस करते हैं आज के व्लॉग को यही पे एंड। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।